ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मिठे बाबा के 15 जुलाई 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मिठे बच्चे, देह अभिमान आसुरी कैरेक्टर है, उसे बदल दैवी कैरेक्टर्स धारण करो तो रावण की जेल से छूट जाएंगे। प्रश्न है, हर एक आत्मा अपने पाप कर्मों की सजा कैसे भुगती है, उससे बचने का साधन क्या है? उत्तर, हर एक अपने पापों की सजा एक तो गर्भ जेल में भुगती है, दूसरा रावण की जेल में अनेक प्रकार के दुख उठाते हैं। बाबा आया है तुम बच्चों को इन जेलों से छुड़ाने के लिए। इनसे बचने के लिए बाबा कहते इसमें उपाय क्या बताया, सिविल आयुक्त बनो, क्योंकि क्रिमिनल आय जितनी होती जाएगी उतने ही पाप होते जाएंगे। ओम शांति। ड्रामा के प्लान अनुसार बाबा समझाते हैं, बाबा ही आकर रावण की जेल से छुड़ाते हैं, क्योंकि सब क्रिमिनल पाप आत्माएं हैं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र क्रिमिनल होने के कारण रावण की जेल में हैं, फिर जब शरीर छोड़ते हैं तो भी गर्भ जेल में जाते हैं। बाबा आकर दोनों ही जेलों से छुड़ाते हैं। गर्भ जेल भी आज है ना, कितनी उस छोटे बच्चे को कितना तकलीफ होती है जन्म के बाद भी, और माँ के पेट में भी बाबा कहते हैं, इसलिए इन दोनों जेलों से बाबा छुड़ाते हैं। फिर तुम आधा कलप रावण की जेल में नहीं और गर्भ जेल में भी नहीं जाएंगे सतयुग और त्रेता युग में, वो तो वहाँ स्वर्ग में क्या जेल और क्या कुछ भी नहीं है, ये सब कायदे मुआफिक चलते हैं, यहाँ कायदा भंग करते हैं इसलिए जेल होती है। तुम जानते हो बाबा धीरे धीरे पुरुषार्थ अनुसार अपने रावण की जेल से, हमें रावण की जेल से गर्भ जेल से छुड़ाते हैं। बाबा बताते हैं तुम सब क्रिमिनल हो रावण राज्य में, फिर राम राज्य में सब सिविल आइजल होते हैं। कोई भी भूत की प्रविष्टा नहीं होती, देह का अहंकार आने से ही फिर भूतों की प्रविष्टा होती है। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर देही अभिमानी बनना है। जब ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे तभी देवता कहलाएंगे, अभी तो तुम ब्राह्मण कहलाते हो। रावण की जेल से छुड़ाने के लिए बाबा आकर के पढ़ाते हैं, और जो सबके कैरेक्टर्स बिगड़े हुए हैं वह सुधारते हैं। आधा कलप से कैरेक्टर्स बिगड़ते बिगड़ते बहुत बिगड़ गए हैं। इस समय है ही तमो प्रधान कैरेक्टर्स, दैवी और आसुरी कैरेक्टर्स में बरोबर रात दिन का फर्क है। बाबा समझाते अब पुरुषार्थ कर अपना दैवी कैरेक्टर बनाना है, तब ही आसुरी कैरेक्टर से छूटते जाएंगे। आसुरी कैरेक्टर्स में देह अभिमान है नंबर वन। देही अभिमानी के कैरेक्टर्स कभी भी बिगड़ते नहीं हैं। देही अभिमानी आत्माभिमानी जो है उसके कैरेक्टर्स अच्छे होते हैं। सारा मदार कैरेक्टर्स पर है। देवताओं का कैरेक्टर कैसे बिगड़ता है, जब वे वाम मार्ग में जाते हैं अर्थात विकारी बनते हैं तब कैरेक्टर्स बिगड़ते हैं। कितनी बार बाबा ने कैरेक्टर से व्याज यूज किया है, देखो जगन्नाथ के मंदिर में भी ऐसे चित्र दिखाए हैं कि वाम मार्ग के चित्र है। ये तो बहुत वर्षों का पुराना मंदिर है, ड्रेस आदि देवताओं की ही है। दिखाते हैं देवता वाम मार्ग में कैसे जाते हैं, पहले क्रिमिनलिटी है ही, यह काम चिता पर चढ़ते हैं, फिर रंग बदलते बदलते बिल्कुल ही काले हो जाते हैं। पहले गोल्डन एज में है संपूर्ण गोरे, फिर दो कला कम हो जाती है, कब, त्रेता युग में। त्रेता को स्वर्ग नहीं कहेंगे, उसको सेमी स्वर्ग कहेंगे। फाइनल सेमी फाइनल मैच होती है ना, तो बाबा ने भी समझाया है रावण के आने से ही तुम्हारे ऊपर कट चढ़ना शुरू हुई है, पूरे क्रिमिनल अंत में बनते हो। अभी 100% क्रिमिनल कहेंगे, 100% वाइसलेस थे, फिर 100% विशेष भी बने, विशेष मानो विकारी भी बने। अब बाबा भी कहते हैं बच्चे सुधारते जाओ अपने को, ये रावण का जेल बहुत बड़ा है, सबको क्रिमिनल ही कहेंगे क्योंकि रावण राज्य में है। राम राज्य और रावण राज्य का तो उनको पता ही नहीं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो राम राज्य में जाने का,
संपूर्ण तो कोई भी बना नहीं है, कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड में है। अब बाबा पढ़ाते हैं, दैवी गुण धारण कराते, देह अभिमान तो सब में है। जितना जितना तुम सर्विस में लगे रहेंगे उतना देह अभिमान कम होता जाएगा, इसलिए सेवा करनी है जो अभिमान हमारा निकल जाए। सर्विस करने से ही देहाभिमान कम होगा, ये युक्ति बाबा बता रहे हैं। देही अभिमानी बड़ी बड़ी सर्विस करेंगे, बाबा देही अभिमानी है तो कितनी अच्छी सर्विस करते हैं। सभी को क्रिमिनल रावण के जेल से छुड़ाए सदगति प्राप्त करा देते, वहाँ फिर दोनों जेल नहीं होगी। यहाँ डबल जेल है, सतयुग में न कोर्ट है न पाप आत्माएं हैं, न वहाँ रावण की जेल है, रावण की बेहद की जेल है। सभी पांच विकारों के रस्सियों में बंधे हुए हैं, अपरंपार दुख है। खाली जो जेल होता है यहाँ वो नहीं, सुधार ग्रह कहते उसको, लेकिन पूरी दुनिया ही जेल बन चुकी है। हर प्रकार के कष्ट उठाते हैं, दिन प्रतिदिन दुख वृद्धि को पाता रहता। सतयुग को कहा जाता गोल्डन एज, त्रेता को सिल्वर एज। सतयुग वाला सुख त्रेता में नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा की दो कला कम हुई है। आत्मा की कला कम होने से शरीर भी ऐसे ही हो जाते हैं, तो यह समझना चाहिए बरोबर हम रावण के राज्य में देह अभिमानी बन पड़े। अब बाबा आए हैं रावण की जेल से छुड़ाने के लिए। आधा कल्प का देह अभिमान निकलने में देरी लगती है, लेकिन मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। जल्दी में तो शरीर छोड़ गए, वो फिर बड़े होकर के आए कुछ ज्ञान भी उठा सकते हैं। जितना देरी होती जाती है तो पुरुषार्थ कर नहीं सकते। कोई मरे फिर आकर के पुरुषार्थ करे सो तो जब ऑर्गन्स बड़े हो, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं ये आश नहीं रखो कि अगले जन्म में जाकर हम पुरुषार्थ करेंगे, नहीं, अभी हमें करना है। समझदार हो तब कुछ भी कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। देरी से जाने वाले तो कुछ सीख नहीं सकेंगे, जितना सीखे उतना सीखे। इसलिए मरने से पहले पुरुषार्थ करना चाहिए, मरने से पहले पुरुषार्थ करना चाहिए, जितना हो सके इस तरफ आने की कोशिश जरूर करेंगे। इस हालत में बहुत आएंगे, झाड़ बुद्धि को पाएगा। समझाने तो बहुत सहज है, बॉम्बे में बाबा का परिचय देने के लिए चांस बहुत अच्छा है। यह हम सबका बाप है, बाप से वर्षा तो जरूर स्वर्ग का ही चाहिए। कितना सहज है, दिल अंदर गदगद होना चाहिए। यह हमको पढ़ाने वाला है, यह हमारी एम ऑब्जेक्ट है। हाँ, शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं और लक्ष्मी नारायण हमारी एम ऑब्जेक्ट है। हम पहले सदगति में थे, फिर दुर्गति में आए, और फिर दुर्गति से सदगति में जाना है। शिव बाबा कहते हैं माँ मैं कब याद करूँ, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। तुम जानते हो जब द्वापर में रावण राज्य होता है तो पांच विकार रूपी रावण सर्वव्यापी हो जाता है। जहाँ विकार सर्वव्यापी है वहाँ पाप भी सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। सभी मनुष्य पाप आत्माएं हैं ना, पाप सन्मुख है। तब तो कहते हैं कि मैंने कहा है, क्या कहा है, अच्छा तो बाबा ने तो ये कहा नहीं है, बस उल्टा ही समझ गए हैं। उल्टा समझते समझते विकारों में गिरते गिरते गालियां देते देते भारत का देखो क्या हाल हो गया है ना। क्रिश्चियन लोग भी समझते, 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, सभी सतो प्रधान थे। भारतवासी तो लाखों वर्ष कह देते, क्योंकि बुद्धि अभी तमो प्रधान हुई है। वो फिर न इतना ऊंच बने न इतना नीच बने फॉरेनर्स क्रिश्चियन लोग, वो तो समझते बरोबर स्वर्ग था। बाप कहते ये ठीक है, 5000 वर्ष पहले भी मैं तुम बच्चों को रावण की जेल से छुड़ाने के लिए आया था, फिर मैं छुड़ाने आया हूँ। आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य। बच्चों को चांस मिलता है तो समझाना चाहिए, चांस छोड़ना नहीं। हाँ, कहाँ भी जाओ मिले 5-10 मिनट 15 मिनट बोलो, भाषण करो। पापा भी तुम बच्चों को समझाते, बच्चे ऐसे ऐसे समझाओ, इतने अपरंपार दुख क्यों है। पहले तो अपरंपार सुख थे, जब ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ये सर्वगुण संपन्न थे। अब ये नॉलेज है ही नरसे नारायण बनने की, पढ़ाई है, इनसे दैवी कैरेक्टर्स बनते हैं। इस समय रावण के राज्य में सभी के कैरेक्टर्स बिगड़े हुए हैं, सबके कैरेक्टर सुधारने वाला है ही एक राम शिव बाबा।
ये समय कितने धर्म है, मनुष्य की कितनी वृद्धि होती है, ऐसे ही वृद्धि होती रहेगी तो फिर खाना कहाँ से मिलेगा। सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं, वहाँ दुख की कोई बात नहीं। ये कलयुग है दुखधाम, सब विकारी है, वो है सुखधाम, सभी संपूर्ण निर्विकारी है। घड़ी घड़ी उन्हों को ये बतलाना चाहिए तो कुछ समझ जाए। बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। अब बाबा कैसे कहेंगे, जरूर शरीर धारण करके ही बोलेंगे ना, ऐसे आकाशवाणी थोड़ी होगी ऊपर से। हाँ, बाबा शरीर धारण करेंगे और फिर बोलेंगे, पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक ही शिव बाबा है, वो जरूर किसी रथ में आया होगा। कौन है वो रथ? ब्रह्मा बाबा। बाबा कहते हैं मैं इस ब्रह्मा बाबा के रथ में आता हूँ, जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। बाबा समझते हैं ये 84 समझाते क्या है, ये 84 जन्मों का खेल है। जो पहले पहले आए होंगे वही आएंगे, उनके ही बहुत जन्म होंगे, फिर कम होते जाएंगे। सबसे पहले देवताएं आए हैं, बाबा बच्चों को भाषण करना सिखलाते हैं, पॉइंट्स निकालो, अच्छे अच्छे जो भी टॉपिक दिया है उस टॉपिक के रिलेटेड पॉइंट्स निकालो और सभी को समझाओ। ऐसे ऐसे समझाना चाहिए, अच्छे से याद में रहेंगे, देह अभिमान नहीं होगा तो बहुत अच्छा भाषण करेंगे। शिव बाबा देही अभिमानी है ना, कहते रहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव, कोई भी विकार अंदर न रहे, अंदर में कोई शैतानी न रहे, तुम्हें किसको भी दुख नहीं देना है, इसकी निंदा नहीं करनी है। जितने हमारे बाबा ने हमें धारणाएं दी है, इस धारणा में ये पक्की धारणा हमारी होनी चाहिए, तुम बच्चों को कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बाप से पूछो ये ऐसे कहते हैं क्या सत्य है, बाबा बता देंगे, नहीं तो बहुत है जो झूठी बातें बनाने में देरी नहीं करते। फलाने ने तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे कहा, फलाने ने ये कहा वो कहा, इसलिए कहा वो थे ना महारथी के, जैसे हाथी है, देखो हाथी के कान में जब चिंटी चली जाती है तो हाथी मर जाता है, इतना बड़ा हाथी महारथी है और उसके कान में किसी ने कुछ बोल दिया कि भाई आपके लिए ये आत्मा ऐसी कह रही है तो वो गड़बड़ हो जाती है वहाँ पर। तो बाबा कहते हैं कि कोई आपको कुछ कहे क्या होता है, सुना करके उनको ही खाक कर देंगे। बाबा जानते हैं ऐसे बहुत होता है, उल्टी सुलटी बातें सुनाकर दिल को खराब कर देते हैं, इसलिए कभी भी झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं चाहिए। पूछो फलाने ने मेरे लिए ऐसे कहा है, अच्छा अंदर सफाई होनी चाहिए। जिसने भी बोला है उसको पूछो भाई क्या आपने बोला ये, नहीं बोला ठीक है कोई बात नहीं, बोला ओके क्यों बोला, अच्छा मैं परिवर्तन कर लूँगी। कई बच्चे सुनी सुनाई बातों पर भी आपस में दुश्मनी रख देते हैं। बाप मिला है तो बाप से पूछना चाहिए ना। ब्रह्मा बाबा पर भी बहुतों का विश्वास नहीं होता है, शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। बाबा तो आए हैं सबको ऊंच बनाने, प्यार से उठाते रहते हैं, ईश्वरीय मत लेनी चाहिए। निश्चय ही नहीं होगा तो पूछेंगे भी नहीं, बाबा से पूछेंगे नहीं कोई बात तो रेस्पॉन्ड भी कैसे मिलेगा, उत्तर नहीं मिलेगा उसका। बाबा जो समझाते उसको धारण करना चाहिए। तुम बच्चे श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बने हो, एक बाप के सिवाय और कोई की मत ऊंचते ऊंच हो नहीं सकती। ऊंचते ऊंच मत है भगवान की, जिससे मर्तबा भी कितना ऊंच मिलता है। बाबा कहते हैं अपना कल्याण कर ऊंच पद पाओ, अपना कल्याण कर ऊंच पद पाओ, महारथी बनो। पढ़ेंगे ही नहीं तो क्या पद पाएंगे, यह है ही कल्प कल्पांतर की बात। सतयुग में दास दासियां भी नंबरवार होते हैं। बाबा तो आए हैं ऊंच बनाने, परंतु पढ़ते ही नहीं तो क्या पद पाएंगे। प्रजा में भी तो ऊंच नीच पद होते हैं, ये भी बुद्धि में समझना है। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि हम कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं या नीचे उतरते रहते हैं।
बाबा आकर तुम बच्चों को समझाते, कहा तुम गोल्डन एज सिल्वर एज में थे, कहा आयरन एज में आए हो, इस समय तो मनुष्य मनुष्य को खा लेते हैं, क्या देखो दुनिया है। अब ये सब बातें जब समझे तब कहे ज्ञान किसको कहा जाता। कई बच्चे एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल देते हैं, ज्ञान की अच्छी बात है और बुरी है वो समान है, अंदर अंदर सुनते रहते हैं। अच्छे अच्छे सेंटर्स के अच्छे अच्छे बच्चों की भी बाबा कहते हैं क्रिमिनल आवे है, फायदा नुकसान इज्जत उसकी कोई परवाह नहीं करते हैं। मूल बात है कि हमारी पवित्रता पर, इस पर ही झगड़े होते हैं। बाबा कहते हैं ये काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो तब जगत जीत बनेंगे। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है ना, आगे चल समझ जाएंगे, स्थापना हो जाएगी। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके अपनी स्थिति खराब नहीं करनी है, अंदर में सफाई रखनी है, झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं है, ईश्वरीय मत ले लेनी है। देही अभिमानी बनने का बाबा कहते पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, आत्माभिमानी, किसी की भी निंदा नहीं करनी है, फायदा नुकसान इज्जत को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनल आय को खत्म करना है। बाबा जो भी बातें सुनाते हैं उसे एक कान से सुन दूसरे कान से नहीं निकालना है। अच्छा आज का वरदान है, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो हर कर्म करने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर समय हर कर्म करते हैं वो जानते हैं कि बातें तो अनेक आनी हैं, चाहे स्वयं द्वारा आएंगी, चाहे औरों द्वारा आएंगी, चाहे माया व प्रकृति द्वारा, सब प्रकार से परिस्थितियां तो आएंगी और आना ही है, लेकिन स्वस्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। सिर्फ हर कर्म करने से पहले उसके आदि मध्य अंत तीनों काल चेक करो, समझ करके फिर कुछ भी करो तो शक्तिशाली बन परिस्थितियों को पार कर सकेंगे। स्लोगन है आज का, सर्वशक्ति व ज्ञान संपन्न बनना ही संगम युग की प्रारब्ध है। संगम युग की प्रारब्ध क्या है? सतयुग की प्रारब्ध तो मिलेगी ही, वो अलग बात है, लेकिन सर्व शक्ति व ज्ञान संपन्न बनना ही संगम युग की प्रारब्ध है। तो ऐसे त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो हर कर्म करने वाले शक्तिशाली भाई बहनों को ओम शांति। Have a nice day.